लखनऊ से खबर है जहां संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों पर सख्ती की गई है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर रुकेगा वेतन, अधिकारियों कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना बेहद जरूरी होगा। 31 अगस्त तक ब्यौरा देने वालों को वेतन होगा। अब तक 26% कर्मचारियों ने ब्यौरा भी दिया है। चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा दिया गया है। अफसरों कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देने के निर्देश दिए गए हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तुषार, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने दिया है ब्यौरा और अगर नहीं देते हैं 31 अगस्त तक तो क्या कार्रवाई आगे होगी? बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव मनोज सिंह ने निर्देश जारी किया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं करेंगे उन्हें अगस्त महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। आपको बताऊं तो यूपी में 17 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं और अभी तक मात्र 26% ही कर्मचारियों ने केवल अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन किया है। तो ऐसे में अब मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किया है कि अगर नहीं देंगे 31 अगस्त तक वो अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तो उनको अगस्त महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। आपको ये भी बताऊं कि 30 जून तक पहले ये डेट थी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का, लेकिन उससे बढ़ाकर पहले 31 जुलाई की गई और अब लास्ट डेट जो है वो डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त कर दी गई है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे कर्मचारियों का पदोन्नति भी रोक दिया गया है जिन्होंने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, तो अब अगस्त तक का समय दिया गया है। 31 अगस्त तक अगर वो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पे नहीं डालते हैं तो फिर उनकी जो सैलरी है अगस्त महीने की उसे रोक दी जाएगी, उसे नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्देश जारी किया था, सभी कर्मचारियों को अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना था लेकिन नहीं दिए हैं अभी तक, जिसके बाद मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है। बहुत शुक्रिया तुषार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर है जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ